परेशानी ये है बाबा जी कि मैंने लव मैरिज करी थी और मतलब मेरा घर वाला जी मेरा कया कौन मानता जी, जमा भी आपके माँ बाप भाई बहनों के कहने पर चल रहा है जी, मेरी बहुत बिरान माटे दुर्गति कर रखी है जी इस इंसान ने, ये परेशानी है जी मैंने। बाबा जी ना तो मेरा यो कया मानता और ना ही बाबा जी मेरी कोई भी बात को नहीं मानता, बाबा जी मैंने बहुत दुखी रखा जी यो, मैं नहीं चाहूँ जी जिस तरह मेरे गले पहला रहा करता जी मेरे गले नुए रहना चाहिए यो, बस मैं तो यह चाहूँ बाबा जी मैंने पहला कितनी सही रखा है और मेरा कहना मानना है जी बस यो, मैं नहीं चाहूँ जी मैं जिस तरह मैंने पहला रखा करता नहीं बाबा मैंने नुए रखा यो, बस मैं नहीं चाहूँ जी बस जी मैं मेरे गले पहला जिंदगी में रहा करता नहीं हुए रहा बाबा जी, मैं सारा काम तो परेशान हूँ जी, ना माँ बाप मेरी मेहर कर दे ना कोई और जी, मैं बहुत दुखी हूँ सच्ची में बाबा, मैंने आपके पैर आप काट लिए जी, आप कुछ कर दो तो बता दो कोई मसला जी बाबा जी, सच में बाबा मैं बहुत दुखी हूँ सच्ची में, इस इंसान ने बाबा मैं परेशान कर दी सच्ची, इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी बाबा, मैं तो बाबा सच्ची सारी ज़िंदगी भर तेरा गुण को नहीं भूलूंगी जो यो आदमी मेरा कब्ज में हो गया बाबा, मैंने कुछ कौन चाहिए मैंने यो चाहिए बस, मेरा यो काम कर दे बाबा सच्ची में, मैं सारा पासा तो बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरा परेशान निकाल हो गया नहीं बाबा, मैं सच्ची तेरा दर पा के मेरा कहना मानना लग गया नहीं बाबा, तेरा दर पा के नहीं मैं उसने मत्था टिका के लेके जाऊंगी, बस इतनी सी बेनती कर दे बाबा, उसने मेरा काबू में कर दे, जो मैं कहूँ नहीं वो ही करा बाबा ये, बस मैं सच में ही बाबा कदे मेरा आसुलाद होगी नहीं जो भी तेरा गुण को नहीं भूलो बाबा, तेरा लवा के नहीं उसने मत्था टिका के लेके जाऊंगी बाबा, मैंने 10 दिन के अंदर अंदर मैंने 5-4 दिन के अंदर अंदर बाबा मैंने फायदा दिखा दे, मैं घर में जब भी लॉकडाउन खुल गया कदे भी खुल गया नहीं बाबा, मैं तेरे दूर दर पर जरूर पक्का आऊंगी बाबा, मैं सारा भाइयों ने राम राम। तो आज की मिनी होया कि आज तो चाले पाट का मारे गांव ते कोई लुगाई आई जो कि कसुत्ते दुखी से, तो न्यू बेरा पाटा कि भाई हमारे इलाके की है तो इसको तो काम सबसे पहले करना चाहिए। तो या दुखियारी अपने पति ते परेशान है, कसुत्ती परेशान है और न्यू चाव है कि वो इसको एक कहना मान लें। तो जिसका भी साथी नहीं हो रो हो, जो चंद हो के उसको पति उसकी बात सुने या फिर कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वो इस मंत्र को प्रयोग कर सके है। तो मंत्र है ओम नमः ह्रीम ठम ठह स्वाहा। तब न के करणो है, जो भी लुगाई दुखी हो, जो भी अपना पति तो दुखी हो, चाहे किसो भी हो, दारू पिंदो हो, किमी भी कर दो, तो उसने आप न्यू करो नमक और राई ये दो चीज मिला लो एक एक किलो, और आम की लकड़ी ले लो। आम की लकड़ी लेके 3 उंगलियां तो आप नहीं हो, नमक और राई जल्दी उस आम की लकड़ी हम डालना है, मतलब हवन करना है। 108 बार यो मंत्र बोलो और वो डाल दे जाओ उसमें। तो यो आपने 7 दिन तक करना है, मंत्र बोलना है ओम नमः ह्रीम ठम ठम स्वाहा। यो बोल दी आपने के करना है, जब 108 पूरा हो जाए तो उसका पाछा बोलना है जो भी आपने चाहिए, जो भी आपकी मंशा हो कि मैंने यो चाहिए वो चाहिए, तो इसका 108 पूरा होती है उसके पाछा बोल सको हो। न्यू कर लो तो जो भी आपकी दिक्कत परेशानी है वह हफ्ता भीतर दूर हो जाएगी। तो जिस किसी को भी पति ना सुन दो, दारू पिंदो हो या फिर कोई भी उल्टी सीधी संगता में हो तो वो ठीक हो जाओ। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने कॉल कर लिया 999-284-1625 पर। धन्यवाद।